राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन का हुआ प्रदेश स्तरीय सम्मेलन। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन डीलर्स के बेहतर कार्य से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न वितरण में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले अग्रणी है, परंतु प्रदेश सरकार राशन डीलर्स की माली हालत को दुरुस्त करने के प्रति निष्ठुर बनी हुई है। प्रदेश के पड़ोस के राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे गुजरात, गोवा, तमिलनाडु और दिल्ली की प्रादेशिक सरकारों ने वहां के राशन डीलर्स के लिए बेहतर कमीशन 200 रुपये से 280 तक दे रही है। कई राज्यों में राशन डीलर्स को बेहतर मानदेय भी दिया जा रहा है, परंतु उत्तर प्रदेश के राशन डीलरों को उनके बेहतर कार्यों के बावजूद भी मामूली सी रकम कमीशन के रूप में दी जा रही है। इन सभी मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने आज एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में रखा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय तुम्हारे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय सत्य संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। एसोसिएशन का राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में महासम्मेलन हो रहा है, क्या कुछ प्रमुख मांगे लेकर आज आए हैं यहाँ पर और क्या रखेंगे मांगे? हमारी तो एक मांग है, यहाँ पे हम लोग आए हैं, हमारे सिर्फ पदाधिकारी आए हैं, सामान्य कुटदार नहीं आए हैं, और सिर्फ पदाधिकारियों के यहाँ 80 जिलों का हमारा सम्मेलन है, सिर्फ पदाधिकारी आए हैं। सरकार के मंत्री और विधायकों को हमने आमंत्रित किया, वो भी 1 बजे के बाद आएंगे। हम लोगों की एक मांग है, जब हम वही काम करते हैं, हमको यहाँ 90 पैसा पर किलो मिलता है, और यही दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान, मतलब गोवा में, जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें हैं, वहाँ 200 रुपया क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है, जबकि हमको 90 पैसा दिया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हम पूरे देश में सबसे बढ़िया वितरण करते हैं, पूरे देश में ई पास के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर वितरण करता है। हम कोरोना काल जैसी बीमारी में जब कोई एक दूसरे को टच नहीं कर रहा था, हम लोग टच कर रहे हैं, ये बांटे हैं, और काफी हमारे कुर्दार दिवंगत भी हुए हैं। तो हम लोगों की एक ही मांग है कि अगर वही काम हम भी करते हैं तो हमारा भी कमीशन 200 रुपया क्विंटल हो अन्य प्रदेशों के बाद, क्योंकि हम सबसे बढ़िया करते हैं तो हमारा 200 से ज्यादा होना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर हमारा सम्मेलन है। सम्मेलन के बाद हम सरकार से निवेदन करेंगे, और सरकार अगर हमारी निवेदन नहीं सुनती है तो सरकार से सीधी फाइट करने का प्रयास करेंगे। कितने जिलों से लोग आए हैं? हमारे यहाँ लगभग 75 जिलों से लोग आए हुए हैं, हमारे 75 जिलों के पदाधिकारी हैं। आप देख सकते हैं इस समय हाउसफुल है, और व्यक्तियों के आने की संभावना। ब्रजेश पाठक जी ने अनुमति दिया है, कई विधायकों ने दिया है, फतेह बहादुर सिंह ने दिया है, सबका प्रोटोकॉल भी है। अब देखिए कौन कौन से आते हैं। अगर आपकी मांग ना मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? आप हमारी मांग नहीं मानी गई तो हमारा 6 को अभी दिल्ली में सम्मेलन है, बैठक है पूरे राष्ट्रीय स्तर का, तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर तय करके सरकार से अपना काम मान मंगवाने की बात करेंगे, पूरा कराएंगे, और नहीं पूरा होता हम कोर्ट में भी हैं, हम कोर्ट में भी गए हुए हैं, कोर्ट की शरण में भी है, उसको भी हम पूरा कराने का। मैं शिव कुमार पाठक, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन रायबरेली। आज हम लोगों का ये राशन के कोटेदारों का ऑल यूपी का फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन का सेमिनार है, जिसमें हम सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश के दुकानदार इकट्ठा हुए हैं, और इसमें आगे की रूपरेखा तय होगी कि जिसमें कि आगे का हम लोगों का कमीशन बढ़ सके, और जो भी दिक्कतें हमारे राशन के दुकानदारों की और आ रही हैं उन सब पे विचार विमर्श किया जाएगा। अब समस्याएं तो अनेक है, जैसे कमीशन हम लोगों को बहुत कम मिल रहा है, गुजरात में 20,000 रुपया पर मंथ कर दिया गया है, हरियाणा में 200 रुपये कुंटल मिल रहा है, दिल्ली में 200 रुपये कुंटल मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो है 90 रुपये कुंटल है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोगों का खर्च जो है ये 90 रुपये में निकल नहीं रहा। देखा जाए ये देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ही इस तरीके की अगर कार्यप्रणाली है तो कहीं ना कहीं पूरे देश पे इसका असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ी दुखद तो यही बात है कि पूरे भारत का सबसे बड़ा सूबा होने के बाद भी हम लोग 80,000 करीब दुकानदार हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, राशन के दुकानदार 80,000 हैं, लेकिन इनकी सुनवाई ठीक से हमारे योगी बाबा नहीं कर रहे हैं, और हम लोग उनसे निवेदन ही करेंगे कि हम लोगों की सुनवाई जल्द से जल्द करें, अन्यथा हम लोग करो मरो की स्थिति में आ जाएंगे, तो फिर सारी मशीनें बंद करके स्ट्राइक हो जाएगी और कोई भी राशन का वितरण नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में।
चैनल देशबंधन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।